उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वायु को प्रदूषित कर रहा हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके मद्देनज़र जनपद बुलंदशहर में डीएम रविंद्र कुमार ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके एनजीटी और डीएम रविंद्र कुमार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए यहां अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां मानकों की अनदेखी भी की जा रही है। इसके अलावा जनपद में अवैध कॉलोनियां भी धड़ल्ले से काटी जा रही हैं। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। एनजीटी के आदेश के बाद बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जनपद में वायु प्रदूषित करने वालों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनपद में वायु प्रदूषण 350 के पार पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश हैं कि बिना मानकों के निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लग सके। बावजूद इसके जनपद के खुर्जा नगर क्षेत्र में एक, दो या तीन जगह नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जहां कहीं मानकों का पालन नहीं किया जा रहा तो कहीं खुर्जा विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी भी बनाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निर्माणाधीन इमारतों पर प्रदूषण रोकने के लिए ना तो ग्रीन कवर है और न ही मजदूरों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, जिन्हें देख कर साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों के आदेश केवल कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर खुर्जा विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। इस पूरे मामले पर खुर्जा विकास प्राधिकरण के सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का कहना है, अवैध निर्माण को रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जेई की तैनाती की गई है। यदि कोई भी अवैध निर्माण या मानकों की अनदेखी का मामला सामने आता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने का दावा सचिव महोदय कर रहे हैं। अवैध निर्माणों को रोकने के लिए और जो अवैध कॉलोनियां बन रही हैं उनके रोकथाम के लिए हम लोगों ने क्षेत्रवार जेईयों की तैनाती कर रखी है और उनका उनकी जिम्मेदारी है कि उस निर्माण को रोकें और उस पर कार्रवाई करें, और जो भी संज्ञान में मेरे लाए जाते हैं कि निर्माण हो रहा अवैध है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इधर चूँकि आचार संहिता लगी थी, लोगों की चुनाव में ड्यूटी थी, थोड़ा हो सकता लापरवाही हुई हो, फिर भी जो भी संज्ञान में हमारी लाई जाएगी आप लोग जो भी बताएंगे उन पर जो हमारा नियम है उसके अनुसार सभी निर्माणों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें ये हो सकता है कि लोग हर आदमी आरोप यही लगाता है कि जेईयों की मिलीभगत से हो रहा है, जेई सब पे कार्रवाई करता है और जो पुलिस को चिट्ठी लिखता है उनसे भी रुकवाता है, लेकिन अगर इस तरह कोई संज्ञान में आएगा तथ्य साक्ष्य के साथ मिलीभगत है हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बड़ी बड़ी कॉलोनी है सर, इतनी बन रही है लेकिन उसके बाद बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए जाते हैं पर उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। नहीं, पूरी कार्रवाई हो रही है, सभी कार्रवाई हो रही है और इन कॉलोनियों को जल्दी ही गिराया भी जाएगा, आप देखिएगा इसको। सर नहीं नहीं, निर्माण चलने के लिए हमारे पास जो हमारा अधिनियम है, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम है 1973, उसकी धारा 27 होती है जिसमें हम निर्माण रोकने के लिए आदेश करते हैं कि आप निर्माण रोक दें और कारण बताएं क्यों ना आपका निर्माण गिरा दें, उसी के तहत हम उसको गिराने का आदेश भी करते हैं और 28 में निर्माण को सील भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की जरूरत होती है। निश्चित रूप से हमने अभी प्रोग्राम लगाए थे गिराने के लिए लेकिन उसमें कुछ कारण रहा, पुलिस नहीं मिल पाई, नहीं गिर पाए, लेकिन आप देखेंगे अगले चुनाव 10 तारीख के बाद काफी कॉलोनियां तोड़ी जाएंगे, हमने उस पे ऑर्डर कर रखा। गंभीर विषय ये है कि बुलंदशहर में वायु प्रदूषण 350 के पार पहुंच गया है, जिस कारण जनपद रेड जोन में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के सक्रिय होने के बाद भी नगर क्षेत्र में गैर मानक निर्माण और अवैध कॉलोनियां किस शह पर बन रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमने ज्ञानेंद्र वर्मा जो खुर्जा विकास प्राधिकरण के सचिव हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न ही इलाकों में जेईयों को तैनात किया गया है, जो कि उनकी तरफ से रिपोर्ट पेश करते हैं ताकि कोई भी गैर मानक निर्माण या अवैध कॉलोनियों को नहीं काटा जा सके, और अधिकारी इस पर कार्रवाई करने का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब केडीए के कर्मचारी और अधिकारी सक्रिय हैं तो ये अवैध निर्माण और गैर मानकी निर्माण किसकी शह पर चल रहा है। खैर ये तो जांच का विषय है, अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी इस खबर का संज्ञान लेकर अधिकारी इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन अकरम खान और सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।